घर छोड़ा मकान छोड़ा, घर छोड़ा मकान छोड़ा, छोड़ा अपना परिवार है। एक नौकरी की खातिर साहब, एक नौकरी की खातिर साहब, छोड़ा अपना गांव, छोड़ा अपना गांव। नमस्कार, मैं आज नतमस्तक हूँ उन 25 लाख छात्र छात्राओं का जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पीटी एग्जाम में, इस संघर्षमय दुनिया में यह साबित कर दिया है कि हमारे अंदर साहब समस्याएं जो चाहे जो हों, लेकिन संघर्ष की कमी नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे नहीं पता था कि क्या था, क्योंकि एग्जाम देने में नहीं गया, लेकिन हाँ एक चीज तो मैंने देखी, जिस तरीके से विफलताएं हमने देखी हैं, जिस तरीके से आम जनमानस में बच्चों ने अपनी समस्याएं मैंने देखी उनकी, स्तब्ध रह गया, कोई शब्द नहीं था कहने के लिए। चाहे वो लखनऊ का चारबाग, मतलब उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं था जहां पर कोई भी सुविधा रही हो उन बच्चों के लिए। आप सभी के लिए, प्रेरणा के लिए एक दो लाइनें लाया हूं। वैसे तो मैं कभी बहुत बड़ा राइटर नहीं हूं, लेकिन कभी कभी लिखने का थोड़ा सा जिज्ञासा होती है और खुद को नहीं रोक पाया लिखने के लिए इस एग्जाम में, तो दो लाइनें लिखी हैं जिनको पूरे उत्तर प्रदेश एग्जाम पीटी में जो एग्जाम हुआ उनसे रिलेट करते हुए लिखा है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन लाइनों को उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, और अगर कविता अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी मनोबल मिल सके कि कोई उनके बारे में भी सोचता है। चलिए, घर छोड़ा मकान छोड़ा, घर छोड़ा मकान छोड़ा, छोड़ा अपना परिवार है, छोड़ा अपना परिवार है। एक नौकरी की खातिर साहब, एक नौकरी की खातिर साहब, छोड़ा अपना गांव, छोड़ा अपना गांव। दिन का खाना, दिन का खाना रात को खाया, साहब ध्यान देना, दिन का खाना रात को खाया, दिन का खाना रात को खाया, पढ़ा सारी रात है। दिन का खाना रात को खाया, पढ़ा सारी रात है। एक नौकरी की खातिर साहब, छोड़ा अपना गांव है। एक नौकरी की खातिर साहब, छोड़ा अपना गांव है। अब यहां से रिलेट करिएगा साहब और ज्यादा, नेतन की रैली मा, नेतन की रैली मा बस जावत गांव तक, नेतन की रैली मा बस जावत गांव तक, पर हमारी परीक्षा मा देने जावत तो, पर हम परीक्षा देने जावत तो, भगदड़ मच जावत बाप रे, भगदड़ मच जावत बाप रे। का यही भविष्य है हमारा, का यही भविष्य है हमारा, जो तुम हमका दिखलावत हर बार है। का यही भविष्य है हमारा, जो तुम हमका दिखलावत हर बार है। एक नौकरी की खातिर साहब, छोड़ा अपना गांव है। एक नौकरी की खातिर साहब, छोड़ा अपना गांव है। और ये अंतिम लाइन है, इस पे जरा गौर करिएगा और रिलेट करिएगा कितने छात्र और छात्राएं इसको रिलेट कर पा रहे हैं। पैसा की खातिर, पैसा की खातिर कोचिंग पैदल जावत हर बार है, पैसा की खातिर कोचिंग पैदल जावत हर बार है। तुम सेंटर इतना भेजत जैसे, तुम सेंटर इतना भेजत जैसे हमारा बाप जिम्मेदार है, तुम सेंटर इतना भेजत जैसे हमारा बाप जिम्मेदार है। एक नौकरी की खातिर साहब, छोड़ा अपना गांव, एक नौकरी की खातिर साहब, छोड़ा अपना गांव है। ये कुछ लाइनें थी जिनको लिखा, और अभी एक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फोटो वायरल हो रही है, एक ट्रेन का डिब्बा है उसमें कई सारे बच्चे हैं जिनमें से दो बच्चियां दिख रही हैं सिर्फ उस भीड़ में। उस भीड़ को देख के मुझे एहसास हुआ कि उत्तर प्रदेश में, देश में बेरोजगारी का ये आलम है
कि इंसान को अगर पैर रखने को भी जगह मिल गई थी तो वो गया था एग्जाम देने। नेताओं की रैली में क्या होता है, पूरी सब्जी भी मिल जाती है, घर से बुलावा भी आ जाता है, साहब चलो 150 रुपया भी मिल जाते हैं खर्चा पानी के लिए, और घर से बस आती है, घर से बस छोड़ देती है। लेकिन क्या अगर उत्तर प्रदेश सरकार या आयोग के द्वारा इस चीजों को क्या सुधारा नहीं जा सकता था? भाई आपको जो पता है 37,58,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो उसकी सुविधा के लिए क्या किया? 250 किलोमीटर आपने एग्जाम दूर कर दिया कि नकल ना हो पाए, ठीक है, लेकिन वो जो 38 लोग पकड़े गए, 38 पीपल्स फिर भी पकड़े गए हैं, वो कहां से पकड़े गए साहब? अगर तुम्हारे पास इतनी सुविधा थी तो कैसे पकड़े गए फिर उन्होंने इनकी हिम्मत कैसे हुई कराने की? आज तक मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि तुम लोग कौन सा एग्जाम सही से करा पाए। 2018 वीडियो एग्जाम 22 दिसंबर 23 दिसंबर एग्जाम देकर आया, पता चला कि एग्जाम का रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, फिर पता चल रहा कोर्ट गया और कोर्ट ने कहते री एग्जाम होगा, ठीक है, वहां तक संतोष। साहब री एग्जाम की डेट अभी नहीं है, सूचित किया जाएगा, आरक्षित कर ली गई डेट। अरे कब कराओगे? 2024 में। अगर 18 की वैकेंसी 24 में कराओगे, 6 से 7 साल में कराओगे, तो जो युवा था वो जवानी खो देगा अपनी, वो बेसब्री से अपना सब कुछ खो देगा, मजबूरी बस उसको कुछ ऐसा करना पड़ता है, कोई जीवन में कभी सोचता नहीं, उसको पता होता है कोई एक योग्य सदस्य होकर भी वो अयोग्य बन जाता है। तो साहब एक बात बताओ, देश में क्या होगा, देश में क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी लोगों के बीच में? हाथ जोड़ के आप सभी से अनुरोध है मालिक, बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें, समय समय पर आप अपनी वैकेंसीज कंप्लीट कराएं। UPSI के एग्जाम को सही तरीके से कराया गया है, जिनको उनको वैकेंसी को कंप्लीट करें, उन बच्चों को सही तरीके से DVPST करा चुके हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग दे दें साहब, और वीडियो वाले एग्जाम के भी साहब कुछ ना कुछ डेट वेट निकाल दो, और उसके बाद आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में देते हुए साहब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। आप सभी से अनुरोध है, अनुरोध ही कर सकते हैं साहब, बाकी भविष्य आ गया। उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी बात हमारी जरूर मानेंगे, और उत्तर प्रदेश के समस्त बच्चों के लिए, आप उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ आपसे, कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर और जरूर हम लोगों के बारे में सोचेंगे एक बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।